सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयबिंद रुद्रा ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का न्यू अपडेट आया हुआ है जो कि आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो और आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का DPR तो नहीं आया लेकिन 4 तहसील आ चुका है। किस तहसील से होकर गुजर रहा है ये चीज़ हम आप लोग को बता सकते हैं, जो कि गाजीपुर से मांझी घाट तक बनेगी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बिहार के रिवीलगंज बाईपास से जुड़ते हुए बलिया संसदीय क्षेत्र के 4 तहसील से होकर गुजरेगा। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे 30 किलोमीटर का होगा और 1600 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड होगा और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के साइड में इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाया जाएगा। 4 लाइन एक्सप्रेसवे होगा जो कि भविष्य में इसे 6 लाइन भी बनाया जा सकता है। और पहले से 4 मार्ग दे दिया गया था किस मार्ग से बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाए, जो कि निर्धारित नहीं किया गया था। तो बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को कौन कौन से मार्ग पहले बता देते हैं आप लोग को। गाजीपुर बलिया मार्ग NH31 से जोड़ा जाएगा जो कि 51 किलोमीटर पड़ता है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया को जोड़ने के लिए मोहम्मदाबाद और चितांबड़ा मार्ग गाँव है जो कि उससे भी जोड़ा जाएगा सेकेंड वाला, जो कि ये 35 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। कसिमाबाद रसड़ा मार्ग जो है 52 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अभी ऑप्शन डिसाइड नहीं किया गया है किस मार्ग से जोड़ा जाए। तो जो तहसील निर्धारित कर दिया गया है कौन कौन सा तहसील जा रहा है, तो इस वीडियो में आप लोग को हम बताते हैं तहसील का नाम, जिसमें गाजीपुर के सदर तहसील, मोहम्मदाबाद बलिया सदर और बैरिया तहसील क्षेत्र शामिल है। एक्सप्रेसवे में मलदेपुर जड़ारी जो कि इसी तहसील से होकर गुजरने वाली है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे गाजीपुर मांझी घाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है, बल्कि उसका बजट अलॉट कर दिया गया है जिससे निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा और कोई बाधा ना हो। इससे पहले जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिया गया था काफ़ी ज़्यादा नामोर भी हुआ था, कोई भी बाधित नहीं हुआ था एक्सप्रेसवे उसी प्रकार।